joining us on NDTV is Mr. K.S. Ishwarappa. And there's so much of political heat right here in the state at a time. You know, you have the campaign blitz by Prime Minister Narendra Modi, several other central leaders trying to ride that anti-incumbency wave. Thank you for speaking to NDTV. We just saw that you were trying to, you in fact burnt the Congress manifesto. Why? Why did you do that? कर्नाटक लोगों का मानक सिद्धिका क्या है उनको कांग्रेस वाले समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि पीएफआई तो अभी कर्नाटक में सारे देश में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी उसको वो ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया, क्योंकि वो एंटी नेशनल है पीएफआई। अभी कर्नाटक के मैनिफेस्टो में बजरंग दल और पीएफआई दोनों को मिलाकर हम बैन करेंगे, ऐसा अगर काम किया तो ऐसा बोल रहा है। पीएफआई तो ऑलरेडी बैन हो गया, बैन हो गया वो संगठन को, अगेन बैन करने का क्या है? सिर्फ बजरंग दल हम बैन करेगा ऐसा बोला तो सारे स्टेट में हिंदू लोग जागरूक होता है, कांग्रेस के विरुद्ध काम करता है, इसलिए वो दोनों जोड़कर ये काम कर रहा है, नंबर वन। नंबर टू, कांग्रेस मैनिफेस्टो ने के क्या बोला है, कौन जातिवाद करता है उनके ऊपर हम एक्शन लेंगे। डीके शिवकुमार केपीसीसी प्रेसिडेंट बोल रहा है, सभी वक्कलिगा लोग मेरे पीछे रहो, मैं सीएम बनूंगा। अपोजिशन पार्टी लीडर सिद्धरामैया बोल रहा है, बैकवर्ड क्लास लोग मेरे पीछे रहो, मैं सीएम बनूंगा। ये दोनों ही कम्युन है, कैस्टिज्म कर रहा है, वो दोनों बोल रहा है ये एंटी नेशनल है। अभी कौन एंटी नेशनल है? हमें बोल रहा है कोमवादी। अभी कोमवादी जातिवाद कौन है? वक्लिगा मेरे पीछे आओ डीके शिवकुमार, बैकवर्ड क्लास मेरे पीछे आओ सिद्धरामैया, ये दोनों जातिवादी है ना। भाजपा को बोल रहा है आप ये सभी कोमवाद है, हम राष्ट्रीयवादी है, कोमवाद नहीं है। ये सारे लोग को मालूम होना है, इसलिए वो मैनिफेस्टो में क्या लिखा है वो सभी गलत है। इसलिए मैं इलेक्शन कमीशन को मैं डिमांड कर रहा हूँ, ये जातिवादी है, इसलिए वो मैनिफेस्टो में वो एंटी कम्युनल बोल रहा है, इसलिए उन दोनों को अरेस्ट करो। मैनिफेस्टो में क्या है दूसरा है, और कैसा चल रहा है वो भी दूसरा है, इसलिए इन दोनों को अरेस्ट करना है, मेरा डिमांड है। So, I see that the PFI has been banned because of the several cases have been registered against them, Terror Act, UAPA. What is the BJP's criteria in terms of banning an organization? Is it only related to terror activities? It is also related to, you know, in terms of communal disturbance of peace? Everything. You see, in Shumaga, mein, ek bomb manufacturer kaun karta tha? वो पीएफआई वाला, उनको अरेस्ट करके जाने के बाद उनको मालूम हो गया वो इंटरनेशनल लिंक है, इंटरनेशनल एंटी नेशनल है, इसलिए नंबर वन। नंबर टू, हमारा देश में गो को हम गो माता समझ रहा है, और गो माता को गो हत्या निषेध भी कर्नाटक तो हम अभी किया है, लेकिन पहले पीएफआई लोग ने गो हत्या करता था, और गो हत्या कौन कौन करता है उनको रुकने वाले बजरंग दल कार्यकर्ताओं को उन्हें मार दिया। एक तरफ से राष्ट्रवादी युवकों का हत्या किया है, दूसरे तरफ से वो बॉम्ब मैन्युफैक्चर कर रहा है, इसलिए पीएफआई ने एंटी नेशनल है, इसलिए उनको बैन करना है, कर्नाटक का डिमांड था। अभी नेशनल लीडर्स वो पीएफआई को बैन कर दिया।